जर्नल इंट्रीज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जीएसटी। देखो स्टूडेंट, आज हम लोग जर्नल इंट्री करेंगे और उसमें हम लोग जीएसटी का कैसे जर्नल इंट्री करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले जानते हैं जीएसटी आपका क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। और इसका थ्योरी लेक्चर में आप लोगों को हमने डिस्कस कर दिया है कि जीएसटी क्या होता है। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि जीएसटी जो है वो आपका थ्री टाइप्स का होता है, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस सर्विसेज टैक्सेस। सेकेंड हो जाएगा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आईजीएसटी जो होता है ना वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर लगते हैं, यानी कि जब गुड्स आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट परचेज कर रहे हो या जब गुड्स आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल कर रहे हो तब उस पर क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है, ठीक है। अदरवाइज आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा है उसमें देख लेते हैं कि क्या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो देखो, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ राज एंड कंपनी, ठीक है, पटना। Assuming all transactions have been entered within the state Bihar, यानी यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सारा ट्रांजेक्शन क्या है, एक ही स्टेट में हो रहा है, यानी कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं है। मतलब IGST इस पर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, CGST और SGST करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड स्टूडेंट, तो चलो क्वेश्चन आपका आपने पढ़ लिया। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ राज एंड कंपनी पटना, एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन इंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। और कितना जीएसटी है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच, यानी कि सीजीएसटी भी आपका 6% चार्ज करना है और एसजीएसटी भी कितना अप्लाई होगा, 6% के रेट से, ठीक है। अब ये आपका ट्रांजेक्शन है और आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। तो देखो स्टूडेंट, जर्नल एंट्री बनाने का दो रूल्स होते हैं। एक रूल है आपका क्या कहते हैं, गोल्डन रूल, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, और एक होता है आपका मॉडर्न, जो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से हम लोग जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, तो देखो, अगर एसेट्स या एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो इसको हम डेबिट से दिखाएंगे, और अगर एसेट्स या एक्सपेंस डिक्रीज करेगा तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट से, ठीक है स्टूडेंट। ये याद कर लो, एसेट्स या एक्सपेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, और एसेट्स और एक्सपेंस अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, ठीक है। अब एसेट्स में क्या क्या आता है, जैसे आप कैश ले लो, बैंक बैलेंस ले लो, फर्नीचर ले लो, लैंड ले लो, बिल्डिंग ले लो, ये सब क्या है आपका, एसेट्स हो गया। एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, जैसे परचेज, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट, ये सब आपका क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, और एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट। आईसी का अपोजिट बोल दो, अगर एसेट्स और या एक्सपेंस आपका डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो ये हो गया आपका एसेट्स का या एक्सपेंस का। कैपिटल या लाइबिलिटीज या रेवेन्यू या इनकम अगर इंक्रीज करेगा, देखो एरो ऊपर की तरफ कर दिए, मतलब इंक्रीज करेगा तो ये क्रेडिट में चला जाएगा, और सेम आपका अगर डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, इनकम अगर इंक्रीज करे, अगर क्या करे, इंक्रीज करे तो क्रेडिट साइड, और कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, इनकम अगर डिक्रीज करे तो कहाँ रख देंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है, सॉरी डेबिट साइड हो जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू या इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड, और कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, इनकम डिक्रीज करेगा तो डेबिट साइड, ठीक है। कैपिटल तो समझते ही हो, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो प्रोपराइटर बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करता हो, चाहे कैश हो या एसेट हो, क्या कहलाएगा, कैपिटल। लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, तो जैसे क्रेडिटर, जिससे हम सामान खरीदते हैं, क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी हो गया।
और जिसको हम सामान बेचेंगे वो क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। जिसको हम सामान सेल करते हो डेटर, और जिससे सामान खरीदते हैं क्रेडिटर। तो डेटर आपका एसेट्स, क्रेडिटर क्या हो गया लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज में आ जाएगा जैसे बिल पेबल, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, बहुत सारा लाइबिलिटीज है। रेवेन्यू में क्या आ जाता है सेल। इनकम में क्या आएगा, जैसे आप रेंट रिसीव्ड करते हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड करते हो, ये सब क्या हो गया आपका इनकम हो गया। तो कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू इनकम इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू ये डिक्रीज करेगा तो डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन को अब बनाते हैं। तो आप लोग जर्नल एंट्री जब भी बनाओ एक फॉर्मेट में बना लो। जब भी जर्नल एंट्री बनाओगे किस में बनाओगे, एक फॉर्मेट में। फॉर्मेट क्या होता है, तो 5 कॉलम्स होते हैं इसमें, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, और एंट्री करने के बाद हम लोग नरेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट डेट नहीं दिया है, तो आप डेट के कॉलम में क्या करना, नंबर दे देना, ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो पहला फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, और चेक, चेक मीन्स बैंक बैलेंस कितना हो गया, 3,50,000। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश आपका एसेट्स है, इंक्रीज कर रहा है, डेबिट में चला जाएगा। और चेक मतलब बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी आपका एसेट्स है, वो इंक्रीज कर रहा है, तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट में, सिंपल। तो डेट के कॉलम में ए लिख देना, और कैश आपका इंक्रीज कर रहा है डेबिट, बैंक इंक्रीज कर रहा है डेबिट, क्यों डेबिट में देखा है, क्योंकि ये दोनों एसेट है, और एसेट इंक्रीज करेगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। और क्रेडिट में क्या देखें करेंगे, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज होता है, कैपिटल। तो यहाँ पे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, कैपिटल आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज बताओ। तो कैपिटल लगा रहे हो तो कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज के केस में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो टू कैपिटल्स अकाउंट, या सॉरी टू कैपिटल अकाउंट, कैश 1 लाख, बैंक बैलेंस या चेक आपका 3,50,000, टोटल हो गया 4,50,000, ठीक है स्टूडेंट, 4,50,000। नरेशन क्या लिख देंगे, बिंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बैंक, विथ कैश एंड बैंक। फर्स्ट ट्रांजेक्शन का हमने एंट्री कर लिया। अब स्टूडेंट स्टूडेंट्स सेकेंड जो ट्रांजेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ये डिस्काउंट का हमने जब लेक्चर दिया था तो उसमें बताया था कि जर्नल एंट्री में जब हम लोग डिस्काउंट करते हैं तो दो तरह का डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अमाउंट लेस करके डायरेक्ट दिखा देते हैं। और कैश डिस्काउंट आपका दो तरह का होता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। जो डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है, मतलब आप किसी को दे रहे हो, तो डिस्काउंट अलाउड हो गया, और जो डिस्काउंट आप ले रहे हो आपका क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस वो डेबिट में दिखाते हैं, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम उसको हम क्रेडिट में दिखाते हैं। तो सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें GST भी चार्ज करना है, और स्टूडेंट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं है तो IGST तो लगेगा नहीं इस पर। तो देखो ट्रांजेक्शन पहले अच्छे से पढ़ते हैं। बाउट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख, 1 लाख लिस्ट प्राइस है, और किसी गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है 1 लाख, उसको हमने परचेज किया किससे, मदन ब्रदर से। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है स्टूडेंट्स, 20%, और कैश डिस्काउंट है आपका 5%, और 60% अमाउंट क्या हो रहा है, इमीडिएटली पेड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि डुअल ट्रांजेक्शन है, मतलब कैश ट्रांजेक्शन भी है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी है। कैश कितना है, तो 60% आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो, यानी कैश परचेज कितना हो गया 60%, और आउट ऑफ 100% 60% आपका कैश परचेज, तो क्रेडिट परचेज कितना हो गया 40%। तो इस एंट्री में, मतलब इस ट्रांजेक्शन में आपको दोनों एंट्री दिखाने होंगे, कैश परचेज का भी और क्रेडिट परचेज का भी। तो देखो कैसे दिखाते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, क्या हो रहा है, बाउट मतलब खरीदा जा रहा है, परचेज, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो कहाँ रखेंगे, डेबिट में। तो परचेज आपका एक्सपेंस हुआ डेबिट। अब हम लोग को क्या करना है, GST भी लगाना है। तो याद रखो स्टूडेंट, परचेज या एक्सपेंस पे अगर GST लगेगा तो उसके लिए हम GST का अकाउंट ओपन करते हैं, इनपुट GST, और परचेज आपका आपका डेबिट, तो उसी साइड दिखा दो इनपुट। और दो तरह का GST है, CGST, SGST, तो लिख दो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट,
अब फिर दे दो इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। बस डेबिट में आपका यही एंट्री, परचेज एक्सपेंस आपका इंक्रीज कर रहा है डेबिट, अब परचेज पे क्या लगेगा, इनपुट GST। तो दो तरह का GST है, इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट कर दिए। क्रेडिट में क्या कर देंगे, तो 60% आप तो पेमेंट कर रहे हो चेक से, तो चेक के लिए क्या हो जाएगा बैंक। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देख रहे हो आप कि कैश डिस्काउंट भी है, दो तरह का डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को तो जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं, लेकिन कैश डिस्काउंट आपका 5% दिया तो इसको रिकॉर्ड कर दो। तो स्टूडेंट्स बता सकते हो ये डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड। तो हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो मेरे लिए इनकम है, तो इनकम आपका कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है ये। तो क्रेडिट में दिखा दो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और 40% आपका क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम दे दो, पार्टी कौन है, मदन ब्रदर्स। अब बताओ जिससे हम परचेस करते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी। तो आप जब क्रेडिट पे परचेस करोगे तो लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहाँ दिखा देंगे हम, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लाइबिलिटी में दे दो मदन ब्रदर्स, मदन ब्रदर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। आप 40% क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो क्रेडिट यानी कि लाइबिलिटी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ये तो एंट्री कर लिए, अब अमाउंट कैसे दें स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अमाउंट ध्यान से समझना आप लोग। देखो लिस्ट प्राइस कितना है गुड्स का, 1 लाख है, और इसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है कितना, 20%। तो सबसे पहले क्या करो ना, ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्ट लेस करो लिस्ट प्राइस में से। ट्रेड डिस्काउंट को हम जनरल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, जो इनवॉइस प्राइस लिस्ट प्राइस होता है उसे हम डिडक्ट करके डायरेक्ट दिखा देंगे। तो 1 लाख का 20% कितना होगा, 20,000 माइनस कर दो, यानी कितना हो गया, 80,000। यानी कि परचेज आप डायरेक्ट दिखा दो 80,000, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें दो तरह का ट्रांजेक्शन परचेज है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो हम डायरेक्ट GST जो है अलग अलग करके दिखाएंगे, कैश परचेज पे GST दिखाएंगे और क्रेडिट परचेज पे GST दिखाएंगे। तो पहले हम कैश परचेज पे दिखाते हैं, कितना पेमेंट हुआ है स्टूडेंट, 60%, यानी कैश परचेज आपका 60% है, और कितना प्राइस है, 80,000। तो 80,000 का तुम पहले क्या करो, ये जो हम कर रहे हैं ये वर्किंग नोट में आप लोग दिखा लीजिएगा। 80,000 का 6% निकालो पहले, कितना आ जाएगा, 60%। 80,000 का 60%, 48,000, ये आपका कैश परचेज हो गया। यानी कि इतना आपको पेमेंट करना है, आपने इतना चेक से दिया, लेकिन पेमेंट करते समय कौन सा डिस्काउंट अप्लाई होता है, तो कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमेशा याद रखो, कैश डिस्काउंट किस पे लगेगा, जितना अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ कितना पेमेंट कर रहे हो, पूरा इंटायर 80,000 नहीं पेमेंट कर रहे हो आप, उसका 60% 48,000 पेमेंट कर रहे हो, तो इसी पे कैश डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं। तो कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5%। तो 48,000 का 5% निकालेंगे तो 2400। अब 48,000 में 2400 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 45,600। यानी कितना आपका पेमेंट जाएगा, यानी कि आपका आफ्टर डिस्काउंट कैश परचेज कितना हो गया, 45,600। अब इस पे GST हम चार्ज करेंगे। तो दो तरह का GST है, CGST 6% और SGST, ये हो गया आपका 6%। तो 45,600 आपका क्या है, आफ्टर डिस्काउंट, ये आपका कैश परचेज है। अब इसी पे GST चार्ज करो, तो 45,600 का 6% निकालेंगे तो 2736। आप 45,600 का फिर 6% निकालो, 2736, एक CGST और एक SGST। अब सबको ऐड कर दो, यानी कि आपका हो गया विथ GST 51,072। यानी कि इतना विथ GST आपने क्या किया, पेमेंट किया। तो पेमेंट में दिखा दो 51,720, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो 60% जो हमारा कैश परचेज उसका कर दिया। अब यहाँ पे इनपुट GST में CGST कितना आ गया, तो कैश परचेज वाला 2736, और इनपुट SGST कितना, 2736, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हमने अभी कैश परचेज को अलग से दिखाया, अब हमको क्या करना है, क्रेडिट परचेज का दिखाना है। अच्छा ये अमाउंट कितना स्टूडेंट, 80,000। कैसे 80,000 आया, 1 लाख का लिस्ट प्राइस था, आप उसका क्या किए, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20,000 माइनस करके कितना दे दिए, 80,000 दे दिए। अब इस यहाँ पे देख लो, 1 लाख आपका लिस्ट प्राइस,
और क्या करेंगे 20% यानी कि 20,000 आप डिडक्ट कर दो, तो कितना आप ले लो परचेज में 80,000। अब हम लोग डिस्काउंट यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल लिए हैं 2,400, आप डिस्काउंट डायरेक्ट देख लो 2,400। मदन ब्रदर्स में क्या देंगे, तो क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज कितना है स्टूडेंट, तो 60% तो आपका कैश परचेज हो गया, तो क्रेडिट परचेज कितना होगा, तो 40%। 60% कैश परचेज, तो क्रेडिट परचेज कितना हो गया 40%, यानी कि 32,000। अब ये क्रेडिट परचेज पे सेपरेट फिर जीएसटी चार्ज कर दो, CGST 6% और SGST 6%, तो 32,000 का 6% निकालेंगे तो 1920 आएगा, और SGST भी 6%, 32,000 का 1920। आप सबको ऐड अप करो तो 32,000 प्लस 1920 प्लस 1920 35,840। तो ये आपका क्रेडिट परचेज हुआ विथ जीएसटी 35,840, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट परचेज का जीएसटी 1920, यहाँ पर भी क्या ले लेंगे 1920। अब यहाँ पे ऐड करके कितना हो जाएगा, तो टोटल इसको ऐड करते हैं स्टूडेंट तो जाएगा 2736 प्लस 1920 आपका आ जाएगा 4656, और यहाँ भी हो जाएगा 4656, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देख लो परचेज डेबिट में कितना 80,000, इनपुट CGST कितना 4656। ये जो हमने अमाउंट लिखा है ये आप लोग क्या करना, पार्टिकुलर्स का जो कॉलम बनाते हो ना उसी में ब्रैकेट में लिख देना, ताकि आप रहो। यहाँ पे हमने क्या किया, समझने के लिए दो अलग अलग ट्रांजेक्शन को का जीएसटी शो करके दिखाया, एक कैश परचेज का एक क्रेडिट परचेज का, ताकि स्टूडेंट्स को कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। तो परचेज अकाउंट डीआर 80,000, इनपुट CGST 4656, आई इनपुट SGST 4656। ये दोनों काम आप लोग रफ वर्क में भी कर सकते हो, वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, और टोटल अमाउंट डायरेक्ट आप जनरल एंट्री में दिखा दो। 4656 डायरेक्ट इनपुट CGST दिखा देंगे, आई इनपुट SGST डायरेक्ट 4656 दिखा देंगे, और ये दोनों अमाउंट जो ऐड करके हम लोग क्या करेंगे अलग से वर्किंग नोट में दिखा देंगे, ठीक है। तो डेबिट में परचेज डेबिट 80,000, इनपुट CGST 4656, इनपुट SGST 4656, क्रेडिट में टू बैंक 551,072, डिस्काउंट रिसीव 2,400, और क्रेडिट परचेज यानी कि मदन ब्रदर्स 35,840। नरेशन लिख दो, बींग गुड्स परचेज्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन का हमने जनरल एंट्री किया परचेज का, इसमें सारा मसाला है। अगर मान लो GST नहीं होता तो क्या होता, विदाउट GST चार्ज कर देते हैं, तब उसमें पेमेंट कितना हो जाता आपका 45,600, और क्रेडिट परचेज में कितना दिखा देते हैं 32,000 दिखा देते, तब क्या एंट्री करते हैं स्टूडेंट, परचेज 80,000 डायरेक्ट, बैंक में कितना दिखा देते हैं, तो सिर्फ 60% निकाल कर उसका कैश डिस्काउंट 5% माइनस करके 45,600 हो जाता, डिस्काउंट रिसीव 2,400 आता। अब मदन ब्रदर्स में क्या हो, विदाउट GST 32,000 दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे GST आपका है तो GST चार्ज कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर सी। देखो आप लोग कॉलम में बनाना जनरल एंट्री, ठीक है ना, जब भी जनरल एंट्री बनाओ फॉर्मेट में बनाओ, और डेट के कॉलम में आप लोग ये नंबर दे दो CABC। सी वाला देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट अपोजिट अभी हमने जो ट्रांजेक्शन किया और परचेज क्या किया, अब हम लोग करेंगे सेल का। तो देखो, सोल गुड्स टू मुरली एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख, यानी कि 2 लाख आपका गुड्स का लिस्ट प्राइस है, मुरली एंड कंपनी को बेचा जा रहा है, 15% ट्रेड डिस्काउंट और 4% क्या है कैश डिस्काउंट, और कितना चेक रिसीव हुआ 40%। यहाँ पे एज्यूम कर लो स्टूडेंट कि चेक जो रिसीव कर रहे हो बैंक में जमा हो रहा है, ठीक है, सीधा चेक आया, मैं चेक के लिए क्या करूँ बैंक, ठीक है, आजकल सारा ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है बाई बैंक होते हैं, तो चेक जो भी रिसीव्ड हो रहा है वो सीधे मान लो कि वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे सेल तो हो रहा है और 40% ही चेक आया आपका, यानी कि कैश सेल कितना है 40%, और 60% क्या हो जाएगा क्रेडिट सेल आपका है, 40% आपका चेक आ गया यानी कि 40% कैश सेल, तो क्रेडिट सेल कितना हो गया 60%। अब एंट्री क्या करेंगे, तो देखो इसका एंट्री
डी नंबर, डी नंबर यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट की सेल कर रहे हैं तो चेक आ रहा है, तो चेक का मतलब बैंक बैलेंस क्या होगा, इसका मतलब चेक हम डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा तो बैंक आपका एसेट से इंक्रीज होगा, तो कहाँ दिखा दे, डेबिट में, बैंक अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे दो तरह का डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट को तुम जन एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मतलब ना डेबिट साइड दिखाते हो ना क्रेडिट साइड, लेकिन कैश डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड करेंगे। तो बताओ यहाँ पे कौन सा डिस्काउंट है, तो सेल कर रहे हैं ना, तो सेल पे सेल हम कर रहे हैं तो हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं तो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया डेबिट में, यानी कि डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ दिखा दो आप, डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड कहाँ दिखा दो आप, डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। आपने आपने कितना चेक लिया, 40% ही लिया है, इसका मतलब क्या है कि 60% क्रेडिट सेल है, यानी कि आप जिस किसी को क्रेडिट पे सेल करो तो क्या होगा, डेटर। आप किसी को उधार बेचोगे तो क्या होगा, क्या एंट्री करते हैं, डेटर टू सेल, तो डेटर आपका क्या है, एसेट्स है। और क्रेडिट सेल कर रहे हो तो डेटर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में। और डेटर का नाम क्या है, मुरलियन कंपनी, तो डेटर यहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ दिखा दो आप, डेबिट में। तो डेटर का नाम क्या है, मुरलियन कंपनी, जिसको सेल करते हैं स्टूडेंट उसको हम डेटर कहते हैं। और 60% क्रेडिट सेल है, यानी कि डेटर इंक्रीज कर रहा है, और डेटर आपका आता है एसेट में, तो एसेट इसका मतलब एसेट इंक्रीज किया, तो एसेट इंक्रीज करेगा तो कहाँ दिखा देंगे, डेबिट में। और क्रेडिट में क्या दिखाएंगे, तो सेल हो रहा है ना स्टूडेंट, तो सेल हो रहा है तो रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करेगा रेवेन्यू तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में, टू सेल्स अकाउंट। और सेल पे क्या लगेगा, तो परचेस पे लगाए थे इनपुट जीएसटी, तो सेल पे लगेगा आउटपुट जीएसटी, इसको याद रखो, परचेस पे इनपुट जीएसटी, परचेस डेबिट था तो इनपुट जीएसटी हमने डेबिट में दिखाया, सेल क्रेडिट तो सेल पे लगेगा आउटपुट, और ये सेल क्रेडिट में तो आउटपुट जीएसटी भी आप क्रेडिट में दिखा दो, तो आउटपुट और जीएसटी दो है, सी जीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले पता करेंगे सेल कितने का हुआ, तो लिस्ट प्राइस कितना है गुड्स का, गुड्स का लिस्ट प्राइस देखोगे 2 लाख है और 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 2 लाख का 15% कितना होगा, तो 2 लाख इंटू 15/100 ये आपका हो जाएगा कितना, 30,000। तो 30,000 आप डिडक्ट कर दो, यानी कितना का सेल हो गया, 2 लाख माइनस 30,000 यानी कि 1,70,000, 1,70,000 ये आपका सेल हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका कितना कैश सेल है, कैश सेल देखो, कैश सेल है आपका, एक सेकेंड, कैश सेल है आपका कितना, आपने सिर्फ 40% ही चेक रिसीव किया, यानी कि 40% कैश सेल, तो इसका 40% निकालते हैं, तो सेल आपका है 170, और 170 का हम क्या करेंगे, 40% निकाल लेंगे, तो 1,70,000 का 40% आएगा 1,70,000 इंटू 40/100 यानी कि 68,000। अब इतना हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव करते समय कौन सा डिस्काउंट यूज़ करते हैं स्टूडेंट, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमेशा यूज होगा जब हम रिसिप्ट या पेमेंट करते हैं, रिसिप्ट से पेमेंट पे ही कैश डिस्काउंट आपका लगेगा। तो कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है आपका स्टूडेंट, 4%, तो 4% कैश डिस्काउंट निकालो, तो 68,000 उसमें कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना परसेंट है, 4%, तो 68,000 का 4% निकाले तो 2720 आएगा। अब क्या कर दो स्टूडेंट, माइनस कर दो, डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा स्टूडेंट, तो 65,280 हो गया। अब तो ये तो विदाउट जीएसटी है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे, वो दोनों तरह का जीएसटी, सी जीएसटी और एस जीएसटी, तो ऐड कर दो, अगर विदाउट जीएसटी होता तो इतना ही आपका कलेक्शन होगा 65,280, लेकिन विथ जीएसटी है तो हम क्या करेंगे, जीएसटी का अमाउंट इसमें ऐड करेंगे। हम स्टूडेंट जीएसटी को दोनों तरह से दिखा रहे हैं, एक कैश सेल पे और एक क्रेडिट सेल पर। इस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया कि कैश परचेज पर भी जीएसटी अलग दिखाया और क्या कहते हैं क्रेडिट परचेज पे भी देखा है, तो यहाँ पे भी क्या करें, कैश परचेज आपका है 40%, सॉरी कैश सेल है आपका 40%, उसमें कैश डिस्काउंट डिडक्ट कर दिया, अब इस पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे,
तो सी जी एस टी आपका 6% हो जाएगा और एस जी एस टी भी कितना आपका 6%। तो 68,000 में 2720 घटाया 65,280। अब 65,280 का क्या करो, इसका जी एस टी निकालो 3917। एक सेकेंड स्टूडेंट कैलकुलेट कर लें, 65,280 का 6% 3916.8 आया, तो राउंड अप कर 3917 कर दो, 3917 3917 और एस जी एस टी भी सेम 3917। अब इसको ऐड कर दो तो विथ जी एस टी कितना कलेक्शन 73,114। ये आप दिखा दो बैंक अकाउंट में 73,114। इसका मतलब विदाउट जी एस टी कितना कलेक्शन 65,280 और विथ जी एस टी कितना कलेक्शन 73,114। ठीक है, डिस्काउंट तो आप डायरेक्ट निकाल लिए, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है 2720। डिस्काउंट अलाउड होता है जब सेल करोगे तो कस्टमर को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, डेबिट में दिखा दिए, तो डिस्काउंट आपका मुरली एंड कंपनी में कितना दिखाएंगे, तो 40% आपका कैश सेल है, तो क्रेडिट सेल कितना 60%, तो कितने का है 1,70,000। 2,00,000 स्टूडेंट भूल जाओ जो उसका लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करके जो जो हम वैल्यू लाए वही सेल का बुक वैल्यू हो गया आपका कितना है 1,70,000, उसी पे सारा अकाउंटिंग मेंटेन होगा। तो 1,70,000 का 60% आपका क्या हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, 40% का ट्रीटमेंट कर लिए, रिमेनिंग 60% क्रेडिट सेल का कर रहे हैं, तो 1,70,000 का 60% निकालेंगे तो 1,02,000। तो ये क्रेडिट सेल है विदाउट जी एस टी, अब इसमें जी एस टी चार्ज करो तो हो जाएगा सी जी एस टी 6% और एस जी एस टी 6%, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1,02,000 का 6% निकालेंगे तो 6,120 और एस जी एस टी भी 6,120, सबको ऐड कर दो तो 1,14,240 हो जाएगा। तो ये आपका क्रेडिट सेल है, यानी कि डेटर बैलेंस में देखा तो डेटर कौन है, मुरली एंड कंपनी, कितना दे दें 1,14,000, यानी कि 1,14,000 1,14,240। आउटपुट जीएसटी में क्या दिखाएंगे स्टूडेंट, तो हम लोग अलग अलग भी दिखा सकते हैं, नहीं तो एक साथ जोड़ लो। देखो आउटपुट जीएसटी क्या है, 3,917 और प्लस 6,120, 3,917 प्लस 6,120, तो 3,917 प्लस 6,120 इन दोनों को ऐड किए तो 10,037 आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट आउटपुट सी जी एस टी 10,037 और एस जी एस टी भी वही हो जाएगा 10,037। ठीक है स्टूडेंट, 10,037 क्या किया, तो कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों का जी एस टी ऐड कर लिया, कैश सेल का 3,917 और क्रेडिट सेल का 6,120। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखना, अब देखो एक बार देख लो, यहाँ पे बैंक डेबिट 73,114, डिस्काउंट अलाउड 2,720, मुरली एंड कंपनी 1,14,240, सेल है 1,70,000, आउटपुट सी जी एस टी 10,037 और आउटपुट एस जी एस टी 10,037। नरेशन क्या लिखेंगे, तो बींग गुड्स सोल्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, डन। तो ट्रांजेक्शन 3 आपका हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट 4 नंबर, 4 नंबर क्या कर रहा, पेड टू उमा शंकर 95,000 बाय चेक, किसे पेड हो रहा है स्टूडेंट, चेक से पेड हो रहा है और आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, यानी कि जो 95,000 पेड हुआ 5% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करके पेड हुआ, तो क्या एंट्री करेंगे, कौन सा है ट्रांजेक्शन नंबर डी, डी का क्या एंट्री हो जाएगा स्टूडेंट, तो देखो उमा शंकर को हम पेड कर रहे हैं 5% डिस्काउंट डिडक्ट कर, यानी कि 95,000 जो पेड कर रहा है वो कितना वैल्यू दिया हुआ है 95%, तो टोटल वैल्यू मान लो एक्स है, एक्स का 5% डिडक्ट कर यानी कि 95% पेड किया गया, कितना अमाउंट दिया है 95,000, तो फुल वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 95,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अपोजिट कर दो 100/95 यानी कि 1,00,000।
यानी कि उमा शंकर को 1 लाख पेड करना था, जिसमें 5% हमने डिस्काउंट यानी कि 5,000 डिस्काउंट डिडक्ट कर दिया, और कितना का सेटलमेंट किया, 95,000। तो इसको कहते हैं फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट यूज करेंगे तो किसको पेड कर रहे हैं स्टूडेंट, उमा शंकर को। तो उमा शंकर अकाउंट डेबिट, और किससे पेड कर रहे हैं स्टूडेंट, चेक से। तो चेक के लिए क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। और बताओ यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड होगा कि रिसीव्ड होगा। तो हम उमा शंकर को कितना पे करना था, 1 लाख, लेकिन कितना पेड किए, 95,000। इसका मतलब 5,000 का डिस्काउंट हमें मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। कहाँ दिखा दो, क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बैंक आपका कितना पेमेंट गया, 95,000, डिस्काउंट कितना मिला, 5,000। कितने का सेटलमेंट था, 1 लाख का, ठीक है। नरेशन लिख दो, बैंक पेड टू उमा शंकर बाई चेक, ठीक है। और भी लिख सकते हो, आफ्टर डिडक्टिंग 5% क्या डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग 5% क्या डिस्काउंट। अगर किसी स्टूडेंट को नरेशन लिखने में इशू होता है तो बिंग लगाओ, अब बिंग लगा के पूरे क्वेश्चन को क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। नरेशन लिखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बस होता है नरेशन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री चेक करें तो नरेशन को देख कर ही जर्नल एंट्री चेक कर सकें। ई नंबर क्या है स्टूडेंट, अच्छा एक चीज़ बताते हैं, इस पे हमने जीएसटी नहीं यूज किया। तो याद रखना, पेमेंट करने में, रिसीव करने में जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जीएसटी जब आप पेमेंट का एंट्री करो, रिसीव का एंट्री करो, तो उसमें हम लोग जीएसटी का एंट्री नहीं करेंगे, जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। आगे है तुम्हारा ई नंबर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस 20,000, यानी कि बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना पेड हो रहा है, 20,000 बाय चेक, और रेसिडेंस ऑफ प्रोपराइटर यानी कि पर्सनल यूज के लिए कितना, 20,000। तो ये ट्रांजेक्शन हो गया कौन सा नंबर, ई नंबर। क्या पेड हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है डेबिट में, याद रखो एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट। और पर्सनल यूज के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं, ड्राइंग, तो ड्राइंग आपका डेबिट। जब भी पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग डेबिट। और किससे दिया जा रहा है, चेक से। तो चेक दोगे तो बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज होगा, बैंक आपका एसेट्स है, और एसेट डिक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका बिजनेस का हो गया 20,000। जब भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होना तो वो पार्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट खोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका बिजनेस के लिए हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट खोल दिए। और वही पर्सनल यूज़ के लिए हो गया तो वही इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट ना खोल के कौन सा अकाउंट यूज़ किया, ड्राइंग अकाउंट। याद रखो पर्सनल यूज के लिए कोई भी एक्सपेंस करो और उसका पेमेंट बिजनेस के फंड से हो रहा है, बिजनेस के कैश से, बिजनेस के बैंक बैलेंस से, तो ड्राइंग अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। कितना है यहाँ भी, 20,000, और टोटल आपका एक्सपेंस 40,000। नरेशन लिख दो, बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर ऑफिस एंड प्रोपराइटर या प्रोपराइटर्स रेसिडेंस, प्रोपराइटर्स रेसिडेंस बाई चेक, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं, और इसमें है जगह बचा हुआ, यहाँ जगह है, कौन सा हो गया आपका, डी नंबर, ई नंबर हो गया। ई के बाद आते हैं स्टूडेंट एफ में, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एक हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, कहेंगे याद रखो कि कुछ केसेस में जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि अगर प्रोपराइटर क्या कर रहा है, कैपिटल लगा रहा हो तो कैपिटल पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। पर्सनल यूज़ के लिए प्रोपराइटर विड्रॉ कर रहा है तो उस पर भी जीएसटी लिवाइड नहीं होगा। बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। क्रेडिटर्स को पेमेंट किए डिस्काउंट, उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। डेटर से रिसिप्ट किए उस पर डिस्काउंट, उसमें भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। बैड डेब्ट्स राइट ऑफ, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इसमें भी डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। वेजेज एंड सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये सब पे जीएसटी अप्लाई या जीएसटी लिवाइड नहीं होता, जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस था, पर्सनल एक्सपेंस था, इस पर जीएसटी आपका नहीं लगेगा। नेक्स्ट है एफ, सैलरी पेड सैलरी बाय चेक। तो अभी स्टूडेंट बताए कि जो सैलरी है, सैलरी भी आपका क्या है, उस पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। तो सिंपल विदाउट जीएसटी एंट्री कर दो,
क्या एंट्री हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका पेड सैलरी बाई चेक, यानी सैलरी दे रहे हो तो सैलरी एक्सपेंस कर रहा, सैलरी आपका एक्सपेंस एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट में दिखा देंगे, और चेक चेक दे रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो बैंक बैलेंस आपका एसेस डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। ये कौन सा नंबर है? 6 नंबर यानी एफ। सैलरी आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट, और चेक दे रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है यानी कि एसेस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। कितना अमाउंट है? अमाउंट है आपका 25। तो कितना अमाउंट है? एक सेकेंड, सैलरी पेड बाय चेक 15,000, दे दो 15,000। नरेशन क्या हो जाएगा? बींग सैलरीज पेड बाय चेक। ओके स्टूडेंट, एफ के बाद देखो कौन सा ट्रांजेक्शन है। हाँ, रामनाथ जो है एक डेटर है। डेटर किसको कहते हैं स्टूडेंट? जिसको हम क्रेडिट सेल किया, जिसको हमने उधार दिया, जिसको हमने क्रेडिट दिया। तो रामनाथ एक डेटर है, उस पर कितना हमारा ड्यू है? 40,000, यानी 40,000 उससे हमको कलेक्ट करने हैं। लेकिन वह बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। बैंकरप्ट का कंडीशन क्या होता है कि जिस बिजनेस का लाइबिलिटी एसेट से अधिक हो जाए वो बिजनेस क्या हो जाती है? बैंकरप्ट हो जाती है। तो रामनाथ एक डेटर है, 40,000 उससे कलेक्शन करना था लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। केवल कितना परसेंट उससे कलेक्ट हो पाया? 25% बाई चेक। यहाँ बता रहे हैं स्टूडेंट कि जो भी चेक हम रिसीव कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट में दिखाएंगे चेक रिसीव। और माना जा रहा है, एज्यूम यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पे चेक उसी दिन हम बैंक में क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे। तो रामनाथ से हमने 25% ही चेक लिए, यानी कि चेक आपका डिपॉजिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। यहाँ पे जितने भी चेक है, चेक के लिए बैंक अकाउंट यूज करो। वो वाला इशू नहीं करना है कि चेक रिसीव्ड और नॉट डिपॉजिटेड, तो चेक इन हैंड हो गया, चेक रिसीव डिपॉजिट। यहाँ सिंपल सा है कि आजकल सारा ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? बाई अकाउंट होते हैं। तो चेक आने का मतलब कि आप इमिडिएटली आप बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। तो मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे चेक आपका बैंक में क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। तो 25% चेक आया, तो कौन चेक आया, इसका मतलब क्या होगा? आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक आपका क्या एसेट्स है, और इंक्रीज़ करेगा तो कहाँ दिखा देंगे? डेबिट में। लेकिन केवल कितना परसेंट बैंक बैलेंस? 25% ही आया। आपका 75% क्या है रामनाथ से? आपका बैड हो गया। तो बैड, तो जब पैसा डूब जाए तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं? बैड डेट्स अकाउंट। और आपका ये एक्सपेंस है ना, लॉस है, आपका पैसा डूबा और आपका लॉस आपका इंक्रीज़ करेगा, तो यहाँ पे एक और ऐड कर दो लॉस। अगर लॉस इंक्रीज़ करेगा तो इसको भी कहाँ दिखा देंगे? डेबिट में। और डेटर का बैलेंस क्या हो रहा है? तो डेटर का बैलेंस क्लियर हो रहा है, यानी कि डेटर आपका डिक्रीज कर रहा है, तो डेटर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। देखो, डेटर से 40,000 का कलेक्शन करना था, डेटर से 40,000 का कलेक्शन करना था, 25% दिया, बाकी डूबा। इसका मतलब क्या है कि डेटर का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है और डेटर एसेट है, और एसेट जब डिक्रीज करेगा तो कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट में। डेटर कौन सा है? रामनाथ से अकाउंट। कितना रामनाथ पे से टोटल कलेक्शन लेना था? 40,000। कितना कलेक्ट हुआ? 25% बाई चेक। तो 40,000 का 25% कितना हो जाएगा? 10,000। 30,000 आपका क्या हो गया? बैड हो गया। नरेशन लिख दो, बींग ओनली 40% रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ बाई चेक। केवल 40% ही रिसीव कर, सॉरी 25% ही केवल रिसीव कर पाए बाई चेक। तो ये हो गया आपका जी नंबर। जी के बाद आपका एच, देखते हैं इस स्लाइड में जगह है क्या? नहीं है। चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। कहाँ तक इंट्री कर लिए स्टूडेंट? जी तक हो गया। जी के बाद है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। उसके बाद क्या है आपका? एक सेकेंड स्टूडेंट, जी के बाद आएगा आपका एच। एच क्या कह रहा है? विड्रीव फ्रॉम बैंक 60,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज।
ऑफिस से उसके लिए पैसा निकाल रहे हो तो आपका आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश आपका एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। आप पैसा कहाँ से विड्रॉ होता है, बैंक से, तो बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी कि बैंक भी एसेट है, और डिक्रीज होगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट में 60,000। और यहाँ पे है 20,000 पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ हुआ, तो पर्सनल यूज़ के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं, ड्राइंग। और ड्राइंग को यहाँ पे डेबिट में क्यों दिखाते हैं स्टूडेंट, तो ड्राइंग जो होता है ना कैपिटल को डिक्रीज करता है, तो कैपिटल यहाँ डिक्रीज हो रहा है। सिंपल, कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, और कैपिटल डिक्रीज होगा या कैपिटल को डिक्रीज करने वाला जो भी आइटम होगा उसको हम कहाँ रखा देंगे, डेबिट साइड। तो ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल को डिक्रीज करता है, डेबिट में कितना ड्राइंग है और कहाँ से विड्रॉ हो रहा है, बैंक से, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, बैंक आपका एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में 20,000। अब ये तो इसको हम कंपाउंड एंट्री कर देंगे, तो हम लोग क्या करें, जब भी जनरल एंट्री बनाओ तो कंपाउंड एंट्री करो, एच नंबर क्या हो जाएगा, कैश और ड्राइंग डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, टू आपका हो जाएगा बैंक। ऑफिस के लिए कितना विड्रॉ हुआ, 60,000, पर्सनल यूज के लिए 20,000, टोटल हो जाएगा 80,000। अब बिंग लगा के स्टूडेंट क्या करो, ये पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो, बिंग विड्री फ्रॉम बैंक 60,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 20,000 फॉर पर्सनल यूज। ये भी तरीका है नरेशन लिखने का कि आप लोग क्या करो, बिंग लगा कर जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आपने एंट्री किया वो बिंग लगा के पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लो, ठीक है। एच के बाद हो जाएगा आई, रिसीव बाई चेक फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 10,000, यानी कि लास्ट ईयर जो हमारा बैड डेट्स हो गया था, हमने मान लिया था कि हमारा पैसा डूब गया, वो इस साल क्या हो गया, रिकवर हो गया बाई चेक, तो चेक के लिए हम क्या मान रहे हैं कि हमारा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक डेबिट। तो चेक आप ले रहे हो तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक आपका एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, और आपका बैड डेब्ट रिकवर, बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। देखो बैड डेट्स आपका जब पैसा डूबता है, पैसा बैड होता है, तो बैड डेट्स आपका क्या होगा, डेबिट में, वही जब बैड डेट कवर होगा, रिकवर होगा, तो उसी को हम क्या दिखा देते हैं, क्रेडिट में, लेकिन एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर देते हैं टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। अमाउंट कितना हो गया, 10,000। नरेशन क्या करोगे, बिंग लगा कर आइए, पूरे को उतार दो, पूरा कॉपी कर लो, रिसीव बाई चेक फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 10,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू सुरेश अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 10% डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अलॉट एट द रेट ऑफ 2% ऑन सेल प्राइस। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हो स्टूडेंट कि सुरेश एक डेटर है, कस्टमर है, जिसको सेल किया गया, किसके अगेंस्ट, चेक के अगेंस्ट, यानी कि यहाँ पे कैश सेल हो रहा है, चेक आ रहा है, तो कैसे इसमें है, तो 25% कॉस्ट का प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि 60,000 में 25% आपका क्या कर दो, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेचो, और 10% आपका क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, और 2% आपका क्या है, कैश डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगा स्टूडेंट, एक बार क्या करो, वीडियो पॉज करके आप लोग एंट्री कॉपी में कर लो, नोटबुक में कर लो, फिर यहाँ पर देखो, कर लिए एंट्री स्टूडेंट, तो देखो चेक आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि चेक आपका डिपॉजिट हो रहा है, तो चेक आने का मतलब कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो बैंक आपका एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, ठीक है। ये पूरा ट्रांजैक्शन आपका कैश सेल है क्योंकि चेक आ गया, सारे सेल का चेक आया। अब क्या करते हैं, इसमें दो तरह का डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, लेकिन हम लोग जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को करेंगे, किधर करेंगे, तो बताओ यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड, बताओ जल्दी। तो सेल कर रहे हैं तो हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ, तो जो जो डिस्काउंट आपका एक्सपेंस है वो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, डेबिट में दिखा दो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा, सेल्स, सेल आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में, या सेल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में, तो सेल करोगे तो सेल इंक्रीज ही हो रहा है, तो आपका क्या हो गया, इनकम हो गया क्रेडिट में, या रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट में। और सेल पे क्या लगता है स्टूडेंट, आउटपुट जीएसटी, सेल पे तो जीएसटी लगाएंगे ना, तो सेल आपका क्रेडिट, तो सेल पे लगाएंगे आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट, और टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखो आप लोग
सबसे पहले देखो कि गुड्स का कॉस्ट कितना है, 60,000, ध्यान देना यहाँ पे। प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट है, 25% प्रॉफिट मार्जिन, तो 25% क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 60,000 इंटू 25/100 आपका आ गया 15,000। तो कॉस्ट में ये प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया ना कि आपका हो गया 75,000, आपका ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आपका सेल प्राइस हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट ऐड किए, आपका सेल प्राइस। अब इस पर क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होगा। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट डिडक्ट कर देते हैं, उसको हम जेन्युइटी में नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट डिडक्ट कर देंगे। तो 75,000 का कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 10%, यानी कि 7,500। अब क्या करते हैं, 75,000 में 75% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने पे आया 75,000 माइनस 7,500 इक्वल 67,500, ठीक है। अभी हमारा जो आया, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा इतना सेल हुआ है, इतना कलेक्शन होगा। अब कलेक्शन पे कौन सा डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है, कैश डिस्काउंट, यानी पूरा आपका 100% कैश सेल है तो 100% पे कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा। जबकि पिछले कुछ ट्रांजेक्शन में हमने क्या देखा कि 40% सेल था तो 40% पे ही कैश कैश डिस्काउंट यूज़ किए, 60% कैश परचेज था तो 60% पे ही कैश डिस्काउंट यूज़ किया। जितना कैश ट्रांजेक्शन होगा, कैश सेल होगा, या जितना कैश आपका रिसिप्ट होगा, कैश पेमेंट होगा, उसी पे हम लोग कौन सा डिस्काउंट अप्लाई करते हैं, कैश डिस्काउंट। तो हमारा तो पूरा 100% कैश सेल है, तो पूरा 100% 67,500 पे कैश डिस्काउंट लग जाएगा। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है, 2%, तो 67,500 का 2% लेंगे तो आ जाएगा 1,350। अब ये डिस्काउंट क्या करो, माइनस कर दो, तो 67,500 में 1,350 माइनस करेंगे तो 66,150। और विदाउट जीएसटी हमारा सेल इतना का, लेकिन इसमें तो जीएसटी ऐड करना है। सी जीएसटी कितना परसेंट, 6%, और एस जीएसटी कितना परसेंट, 6%। तो 66,150 का, एक सेकेंड स्टूडेंट, 66,150 का 6% अगर हम निकालेंगे तो 3,969 कितना आ गया स्टूडेंट, 3,969 आपका सी जी एस टी। और एस जी एस टी भी कितना होगा, उतना ही 6%, 3,969। अब दोनों को ऐड, तीनों को ऐड करो, तो 6,615 प्लस 3,969 प्लस 3,969 आपका आ गया 74,088, कितना आ गया, 74,088। तो ये आपका हो गया 74,088, ये टोटल कलेक्शन होगा 74,088, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अमाउंट कैसे दे दो, तो देखो आप लोग ध्यान से, सेल हम कितना देंगे, तो सेल हम देंगे 67,500, आपका सेल प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 67,500। आउटपुट सी जी एस टी कितना आया, 3,969, और आउटपुट एस जी एस टी भी कितना आया, 3,969, और कैश कलेक्शन कितना आया, 7,408, और डिस्काउंट अलाउड कैश डिस्काउंट देखो कितना है, 1,350, ठीक है। नरेशन लिख दो, बींग गुड्स सोल्ड एट कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट, आपका था 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। और नहीं तो बिंग लगा के पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हो, बिंग लगाओ और यहाँ से यहाँ तक लिख लो, ठीक है। देखो नरेशन लिखने का एक ही पर्पस होता है कि हम जनरल एंट्री चेक करें तो नरेशन देख कर चेक कर ले, ठीक है। तो नरेशन लिखने का यही पर्पस होता है। तो ये हो गया आपका सारा ट्रांजेक्शन। आप लोग जब भी जनरल एंट्री बनाओ तो कैसे बनाओगे आप लोग, आप लोग बनाओगे फॉर्मेट में, ठीक है। और जितने भी हमने रफ़ का काम किया, रफ़ वर्क किया, ये सब वर्किंग नोट में आप लोग कर सकते हो। और स्टूडेंट अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ना है, पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपका ऐप है मनीष इम्पीरियल क्लासेस, इसको आप इंस्टॉल कर आप क्लास 11 क्लास 12 का कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर पर भी आकर क्लास कर सकते हो आप। मनीष इम्पीरियल क्लासेस कोचिंग्स नेम, एड्रेस है दरियापुर गोला रोड पटना 8,04, और व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम, ये जो आपका है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, इसको हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक है। अब हम आज से कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे भी
वीडियो अपलोड करते रहें ताकि हमारे बच्चे का भी, हमारे बैच के, हमारे कोचिंग सेंटर के बच्चे का भी हो जाए और कुछ बाहर के भी स्टूडेंट्स का भी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, इसको आप लोग देख लोगे। थैंक यू।